हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और जो कि हमने कल पार्टनरशिप शुरू करी थी अकाउंट्स में, आज हम उसी को एक लेवल और आगे लेके चलते हैं। तो आज फिर हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हैं और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में आज हम सीखेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि शायद पार्टनरशिप फॉर्म में जो इस साल हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, वो कैपिटल अकाउंट को बनाना ही है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कैपिटल अकाउंट बनाना पूरी तरह से सीख जाएंगे। जो भी उसके दो मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, वो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाए। तो हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं। जैसा कि हम देख ही रहे थे कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, उससे पहले मैं आपके सामने वो सारे फैक्ट रखना चाहता हूं जो हम पूरी पार्टनरशिप फॉर्म में करेंगे। तो इस पूरी पार्टनरशिप फॉर्म में हमारे सामने क्या क्या आएंगे, मैंने उनको स्पेशल आस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स कहा। मतलब ये चीज़ें या ये जो टाइप्स हैं, इनमें हम अकाउंट्स को बनाएंगे। तो शुरुआत होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। नॉर्मली हम देखें तो जो अकाउंट हमने लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाए थे, वो उसी तरह से बनते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हमें करनी है, जैसे कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना, जो हमने पिछले साल नहीं सीखा था, वो हम सीखेंगे, जिसके लिए ये वीडियो है जो आपको बताएगी। फिर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर आता है कि एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, तो ये एडजस्टमेंट का एक पार्ट है जो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग में आता है, वो सीखेंगे हम। फिर आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना, जब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, कारण कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो जाए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो जाए, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाए, तो इन सब केसेस के अंदर मुझे रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है पार्टनरशिप फर्म को, वो हम सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में। और फिर लास्ट है कि अगर कभी कंपनी या फर्म जो है वो डिसॉल्व हो, तो उस समय हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पार्टनरशिप फर्म में सोल प्रोप्राइटर से अलग सीखेंगे। जो उसमें था वो तो एज इट इज है ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक जो हम काम वहां करते थे, ये उससे आगे का काम है, क्योंकि वहां पार्टनर्स नहीं थे तो ये काम वहां पर नहीं थे। यहाँ पार्टनर्स हो गए हैं तो ये काम हमें यहाँ पर सीखने पड़े। तो हम इसमें सबसे पहले भी चलते हैं मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए तो हमें कुछ चीजें समझनी है पहले। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पार्टनर से रिलेटेड है, वो सारी एंट्री उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। तो ये हमें सीखना है कि कैसे होता है, क्या क्या है वो ट्रांजेक्शन, लाइक मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल, अगर वो कैपिटल लाए, विड्रॉवल करे कैपिटल का, प्रॉफिट शेयर जो होगा उसका वो कैसे ट्रीट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करूंगा, ड्राइंग की ट्रीटमेंट क्या है, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करें हम, और कमीशन अगर पार्टनर को दी जा रही है तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करें। तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हम इस वीडियो में अभी सीखेंगे कि दो टाइप से हम या दो मेथड से कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो वो दो मेथड कौन कौन से हैं, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जहाँ पर कैपिटल जो है वो फिक्स हो जाएगी, तो उसमें ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ना जाकर एक दूसरे अकाउंट में जाती है, वो हम आगे अभी सीखेंगे कैसे। तो पहला जो मेथड है कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का, वो फिक्स कैपिटल मेथड है, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पर सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में ही आती है, तो वो भी अभी हम सीखेंगे। तो अगर मतलब इसके फर्स्ट मेथड पर चलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड,
फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड, वो पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो जाती है अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, या तो वो और कैपिटल पार्टनर ला रहा हो तो वो उस कैपिटल अकाउंट में जाती है, या ए पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली, जब एक कैपिटल का हिस्सा जब मैं विड्रॉ कर लेता हूँ और वो भी परमानेंटली, क्योंकि एक ड्राइंग भी होती है, ड्राइंग वापस करनी होती है, जो परमानेंट विड्रॉल होता है वो वापस नहीं करना होता, एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है पार्टनर्स के बीच में उसके अकॉर्डिंगली। All items like share of profit या loss, interest on capital, drawing, interest on drawing, etc. ऐसी कोई भी आइटम जो है, फिर जब fixed capital method होता है तो हमारे capital account में show नहीं होती। तो ये कहाँ जाती हैं? Are recorded in a separate account, उसको हम क्या कहते हैं? Partner current account, जो मैं भी आपको यहाँ पर बता रहा था कि जबकि fixed capital method से हम capital account को बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री आती है, एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं तो उसकी एंट्री आएगी, और अगर परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हुआ है तो उसकी एंट्री आएगी, बाकी कोई एंट्री नहीं आती। बाकी सारी एंट्री जो है किस अकाउंट में चली जाएंगी? हमारी पार्टनर करंट अकाउंट में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है, उससे पहले एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में भी जान ले, फिर फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है? अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक ही अकाउंट बनता है और उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही कहते हैं, वहां पर अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं बनता। मतलब कि सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पहुंच गई? हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करंट अकाउंट में डाल रहे थे फिक्स कैपिटल मेथड में, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, सारी की सारी एंट्री कहाँ चली जाएंगी? हमारी कैपिटल अकाउंट। तो ये दो मेथड है हमारे पास, एक फिक्स कैपिटल मेथड हुआ और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है? दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कि क्वेश्चन में कहीं कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं दी गई, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही यूज करेंगे, मतलब कि सिंगल अकाउंट बनाएंगे अगर क्वेश्चन में कुछ हमें मेंशन नहीं है तो। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास ना हो तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब जो दो बेसिस हमने पढ़े, दो मेथड जो पढ़े कैपिटल अकाउंट के, इनके बीच में एक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सो दैट हम उनको और इजीली समझ जाएं, और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए थ्योरी में तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो पहले बेसिस, फिर फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला बेस लेते हैं नंबर ऑफ अकाउंट। तो आपने देखा अभी फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बन रहे हैं? दो। एक क्या बन रहा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक क्या बन रहा है? पार्टनर करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बन रहे हैं? एक। कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अकाउंट कितने बनते हैं? फिक्स में दो और फ्लक्चुएटिंग में एक। नेक्स्ट बेस पे चलते हैं, वो है एडजस्टमेंट। ये सब वो एडजस्टमेंट है जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब एडजस्टमेंट है। तो आपको पता है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो सारी किस में जाती है? पार्टनर करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में शो नहीं होती। तो ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा आर मेड इन द करंट अकाउंट। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिर ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ चली जाती है? करंट अकाउंट पर। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो क्या होता है? उसी अकाउंट में आती है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में ही शो की जाती है, किसी करंट अकाउंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सारी एडजस्टमेंट भी कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। तो ये हो गया एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फिक्स्ड बैलेंस। फिक्स्ड बैलेंस यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर फिक्स रहता है बैलेंस। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज अनलेस देयर इज एडिशन और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, एक तो जब एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा हो पार्टनर,
या वो परमानेंट विड्रॉल कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है फ्लक्चुएटिंग में, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट कीप फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि यहाँ सारी एडजस्टमेंट इसी के अंदर हो रही है तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है हर साल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रेडिट बैलेंस, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है क्योंकि वो कैपिटल है और कैपिटल हमेशा बिजनेस में लगी रहेगी, तो द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस, पर फ्लक्चुएटिंग के अंदर वो हो सकता है नेगेटिव हो जाए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा जब कोई ऐसे पार्टनर को मैं अपने बिजनेस में रखूंगा जिसको कैपिटल जितनी उसने इन्वेस्ट कर रखी है उससे ज़्यादा वो एडवांटेज ले रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है। पर फिर भी क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पर जो है डेबिट बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ कभी नहीं मिलेगा डेबिट बैलेंस। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम आगे चलते हैं और हम सीखते हैं कि कैसा फॉर्मेट होता है इनका। तो शुरुआत हम पहले मेथड से करते हैं जिसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम उसे सीखते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट ये कॉलम हो गए हमारे। सबसे पहले बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी यहाँ पर डाल दिया, जितना भी बैलेंस था उसके अंदर। अब हमें पता है कि दो ही आइटम यहाँ आ सकती है, एक तो एडिशन की है, तो जब एडिशन होगा तो बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट लिखकर इसमें यहाँ पर मैं उसको प्लस कर दूंगा, और डिले मतलब कम क्या हो सकता है, कम हो सकता है जब मैं परमानेंट विड्रॉवल करूँ, तो टू बैंक अकाउंट के थ्रू जब यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही है तो लिख लेगी कहाँ से, यहाँ से परमानेंट विड्रॉवल हो गया, यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बेस पर हम फिर बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में पहले ये साइड बड़ी है टोटल किया, फिर इस साइड का टोटल किया, और फिर हमारा बैलेंस सी डी आ जाएगा जो भी, ठीक है। तो ये है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी जर्नल एंट्री भी बाद में बताऊंगा कि ये इसी साइड में क्यों आता है, क्योंकि हर एक चीज का बेस जो है वो जर्नल एंट्रीज हैं, और अगर हम जर्नल एंट्री समझ गए तो हम हर चीज को कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मैं आगे कभी अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी जर्नल एंट्रीज क्या हैं, सो दैट आप समझ सको कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यही क्यों जा रहा है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक और मैं आपको तरीका बताऊं। कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता तो थोड़ा हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा पाते सब्जेक्ट में, तो एक और दूसरा तरीका है। आप ये याद रखना, जब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ पार्टनर के, तो मुझे पार्टनर के अकॉर्डिंग सोचना है, फर्म के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टनर का बैलेंस जब भी बढ़े, मतलब कि पार्टनर को कोई भी चीज मिले तो वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में आती है। तो पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, कोई भी चीज ऐड होगी उसमें, तो वो क्रेडिट साइड से ऐड होगी। देखो जब वो ला रहा है तो इसीलिए तो प्लस कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बैंक में प्लस कर रहा है, तो कहाँ गई क्रेडिट में। ये उसकी कैपिटल को कम कर रहा है, मतलब कि निकल रहा है। तो जब भी पार्टनर को कोई पार्टनर का बैलेंस बढ़े या पार्टनर को जो भी मिलेगा वो उसके क्रेडिट में जाएगा, और जो उससे लिया जाएगा वो उसके डेबिट में जाएगा। ये पार्टनर के करंट अकाउंट पर भी एप्लीकेबल होता है। अभी आप देखना कैसे। सबसे पहले बैलेंस, अगर पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो इस तरफ आएगा, अगर वो डेबिट बैलेंस होगा तो वो इस तरफ होगा। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि या तो ये बैलेंस होगा या ये बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इस तरफ लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर डेबिट बैलेंस है तो किस तरफ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। आगे चलते हैं। तो जो पहली एंट्री आई, क्या मिल रहा है सबसे पहले पार्टनर को, सैलरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिल रहा है। कौन दे रहा है, फर्म। तो फर्म अगर पार्टनर को सैलरी देगी तो पार्टनर को तो मिलेगी ना, तो इसलिए कहाँ जा रही है, क्रेडिट साइड में अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, कमीशन भी पार्टनर को मिलेगी तो वो भी किस तरफ आ रही है, उसके क्रेडिट में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी मिलेगा, कैपिटल पर ब्याज मिल रहा है ना, पार्टनर के हिसाब से सोच रहे हैं
इस बात को याद रखना, फर्म के हिसाब से नहीं सोचना। तो पार्टनर को मिल रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट होता है, इसको हम सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। जब हम लास्ट ईयर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म बनाती है और फर्म बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इनके बीच में डिवाइड होकर उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में चला जाता है। तो ये हम सीखेंगे अभी, इसको आप बस अभी ये समझो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट बचा है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी इनको मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आगे चलते हैं। अब ये सारी मिलने की चीज हो गई, तो अब क्या आई उनसे लेने की चीज, उन्होंने ड्रॉइंग की। ये वो ड्रॉइंग है, ये वाली नहीं, ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल था, ये है ड्रॉइंग, जो पैसा वापस दिया जाएगा। तो ड्रॉइंग अगर पार्टनर करता है तो वो पैसा, क्योंकि उससे लिए वो निकाल रहा है, कम हो रहा है, तो जब भी पार्टनर का बैलेंस कम होगा तो वो डेबिट साइड से होगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड से बढ़ेगा। तो जब मैं ड्रॉइंग करूंगा तो निकलेगा, तो इसलिए क्या आ रहा है, डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग। इसी ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर देगा फर्म को, क्योंकि ये फर्म को दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये पैसा भी इससे लिया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा था हमने, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। ये जो अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनता ही जब है जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर अकाउंट बनाते थे, वहां जो भी लॉस होगा वो डायरेक्ट ही हमारे यहाँ पर करंट अकाउंट में आ जाएगा, अंडर कौन से मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। तो जो भी लॉस है वो डायरेक्ट इनके इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के साथ यही वो एंट्रीज हैं ज़्यादातर जो यहाँ पर मिलती हैं अभी के लिए, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो जब के लिए। तो इस बेस पर हम पार्टनर करंट अकाउंट पूरा कर देते हैं, टोटल करते हैं। अगर ये साइड बड़ी है तो पहले टोटल यहाँ आएगा, वही टोटल यहाँ आएगा, और यहाँ बैलेंस निकल कर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। पर कब, जब क्रेडिट हो। कौन सी साइड बड़ी हो, ये वाली साइड बड़ी हो, ठीक है। अगर गलती से ये साइड बड़ी हो जाए तो फिर हमारा बैलेंस इस तरफ निकलेगा क्लोजिंग, और वो कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। फिर मैं याद दिला दूं कि या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। बल्कि कि यहाँ एक चीज़ और मिस्टेक हो रही है, ये BD लिखा हुआ है, ये CD है, इसको आप CD ही रीड करिएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ये रहे, दोनों में से कोई एक होगा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहे, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में हो जाएगी, और इस अकाउंट को क्या कहेंगे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो वो कैसे बनेगा, पहले वही पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम बने हमारे। अब उसमें सबसे पहले बैलेंस आया, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस होगा तो वो इसी तरफ मिलेगा, डेबिट बैलेंस नहीं होता, रेयर होता है, नहीं मिलेगा कभी भी, इसलिए क्या लिखा हमने, बैलेंस BD इस तरफ लिखा। आगे चलते हैं सैलरी, क्योंकि ये भी अब सारी एडजस्टमेंट यहीं आनी है, तो सैलरी भी पार्टनर को मिल रही है, क्रेडिट साइड में जा रही है, कमीशन भी मिल रही है, क्रेडिट में जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी क्रेडिट में जा रहा है, और अगर वो नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी यहाँ पर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर के अकाउंट में आती हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आ जाती हैं, और उसी अकाउंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो यहाँ आएगी वो देख लीजिए, सबसे पहले ड्रॉइंग, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, या तो ये मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, या ये मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। या तो मुझे प्रॉफिट हो रहा हो तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और वहां से शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करूंगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बेस पर यही बेसिकली ट्रांजेक्शन है। एक ट्रांजेक्शन जो रह गई, ये तो ड्राइंग है जिसको वापस करना होता है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी आ सकती है, तो एक उसको और जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ हमारा फॉर्मेट पूरा होता है, हम टोटलिंग करेंगे,
ये साइड बड़ी होगी, वही टोटल यहाँ आएगा और मेरा बैलेंस निकल जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से। तो ये थे तरीके पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी हम इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले हम जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इससे संबंधित कुछ पढ़ लें पहले। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। अगर प्रॉफिट हो तो वो कैसे बंटता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको देख लें एक बार जरा। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड है और उस डीड में लिखा है कि किस रेशियो में किसको कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, तो जो भी उसमें लिखा होता है, जो एग्री किया हुआ है रेशियो का मतलब अनुपात है यहाँ पर, कि भाई एक को तीन हिस्से मिलेंगे, एक को दो हिस्से मिलेंगे, तो उसको कहेंगे हम 3:2। ठीक है, एक को 5 मिल रहा है और एक को 3 मिल रहा है, तो हम कहेंगे 5:3। तो अगर ये रेशियो पहले से एग्रीड है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर नहीं है भैया, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, या तो वो एब्सेंस है ही नहीं पार्टनरशिप डीड, और या वो साइलेंट है, तो उस समय आपको मैंने बताया था कि क्या हो जाती है, वो इक्वली हो जाती है, फिर पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिसाइड होगा, ये आपको याद रखना। या तो रेशो गिवन हो तो उस रेशो में, अगर रेशो गिवन नहीं है तो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप हाउएवर सर्टेन एडजस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, जो ये यहाँ आ रही हैं। देखो, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एडजस्टमेंट हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये नीचे मिलेंगे आपको। अब एडजस्टमेंट है तो इनका डबल इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट तो हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, अभी मैं जनरल एंट्री बताऊंगा तो दोनों इफेक्ट जब फिर बताऊंगा, पर अभी आप ये समझो कि एक इफेक्ट आपने यहाँ डाल दिया तो दूसरा इफेक्ट भी तो पड़ना है, तो वो दूसरा इफेक्ट किस अकाउंट में जाकर पड़ता है, इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जितनी एडजस्टमेंट होती हैं ये हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, एंड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट अगर हमारे पास प्रॉफिट बचता है या लॉस भी हो जाता है इवन, तो वो क्या होता है फिर, वैसे तो लॉस तो होता नहीं नॉर्मली, क्योंकि हम उतना ही प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, मतलब इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। तो अभी आप ये समझो कि अगर प्रॉफिट बचता है तो वो जो भी उनके बीच की रेशियो है या तो उसमें बटेगा, अगर रेशियो नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको इक्वली बांट देंगे, और ये फिर कहाँ चला जाता है, हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये कहाँ जाता है, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपको समझना है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे पिछली स्लाइड में कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, समीर और यास्मीन, ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। समीर और यास्मीन दो पार्टनर है, 15 लाख और 10 लाख उनकी कैपिटल है, 3:2 की उनकी रेशियो है, और इस रेशियो के बेस पर हमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। दो मेथड से, एक में कैपिटल को फिक्स कर दिया है और एक में कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कर दिया है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, एक एडिशनल कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 2 लाख, जो कब इंट्रोड्यूस हुई है एडिशनल कैपिटल, उसकी डेट दे रखी है। ये डेट हमारे जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इसमें काम आएगी, 5%। फिर ड्रॉइंग हमारी दी हुई है 30,000, 20,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 1,800, 1,200, फिर सैलरी दी है जो समीर को मिल रही है 20,000, कमीशन दी हुई है 10,700, और शेयर इन लॉस दिया हुआ है 60,000 और 40,000। अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट को हम इस इंफॉर्मेशन के साथ कैसे बनाएंगे। शुरुआत हम करते हैं जब कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो जब फिक्स होंगे कैपिटल अकाउंट, तो ये फॉर्मेट आ गया हमारे सामने, पर्टिकुलर अमाउंट समीर का कॉलम और यास्मीन का कॉलम, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर समीर एंड यास्मीन। पहली एंट्री आती है हमारी बैलेंस की, जो ये रही 15 लाख और 10 लाख, वो शो कर दिए हमने। अब उसके बाद यहाँ सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आती है, एक तो अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है जो हमारे क्वेश्चन में है, वो डाल देते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आया तो कैश से आया होगा या बैंक से आया होगा, मेरी अजम्पशन है कि वो बैंक से आया है, 3 लाख और 2 लाख। दूसरी यहाँ पर जो आई थी, हमने देखा था फॉर्मेट में, वो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल थी,
परमानेंट विड्रॉल, ड्रॉइंग नहीं, तो वो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो इस तरफ कुछ नहीं आ सकता। तो फिर बैलेंसिंग करते हैं, तो सबसे पहले इस तरफ का टोटल किया 15 + 3 = 18, 10 + 2 = 12, यही बैलेंस इस यही बैलेंस यहाँ पर आए और यही हमारे क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस सीडी 18,12,000। तो इस तरीके से हमारा फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम चलते हैं अगले अकाउंट पे, जो पार्टनर करंट अकाउंट है। पार्टनर करंट अकाउंट पर्टिकुलर समीर यास्मीन, पर्टिकुलर समीर यास्मीन हो गया। बैलेंस अगर मैं ढूंढूं तो बैलेंस कहीं दिए नहीं हुए, तो क्वेश्चन में शुरुआत में बैलेंस नहीं आएंगे। तो अब क्या आएगा शुरुआत में, ये चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दी यहाँ पर 82,500, 55,000। ये कैसे आया ये आपको समझना है। देखो 15 लाख पर 5% निकालता हूँ 75,000, 3 लाख पर मुझे 6 मंथ का निकालना है, क्योंकि पूरे साल मैंने इस कैपिटल को यूज नहीं किया। तो वैसे 15 बैठता, अब 15 का हाफ, क्योंकि पूरे साल नहीं है, हाफ ईयर है, तो कितना हुआ 15 का हाफ कितना होता है 7,500। अगर वो मैं जो यहाँ से हमारा 15 लाख पर 5% 75 निकला था, उसमें अगर 7,500 प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाता है 82,500। 10 लाख पर 5% निकालता हूँ तो 50,000 निकलता है। फिर मुझे 2 लाख पर भी निकालना है, 2 लाख पर हाफ ईयर का निकाला तो पूरे साल का 10,000 बैठता, हाफ ईयर का कितना बैठेगा 5, तो 50 यहाँ से और 5 यहाँ से कितना हो गया 55। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग डेबिट साइड में आएगी, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्टनर की कैपिटल को कम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आएंगे डेबिट साइड में। अभी इनको नहीं देखते, अभी सैलरी देखते हैं 20,000 लिख दी। फिर कमीशन आई तो 10,000 और 7,000 लिख दिया। शेयर इन लॉस अगली ट्रांजेक्शन है, लॉस है तो वो कम करेगा करंट अकाउंट को, क्योंकि यहाँ कैपिटल तो है नहीं, करंट अकाउंट है, तो डेबिट साइड में। तो 3 ट्रांजेक्शन मेरी अभी डेबिट साइड के लिए बची हैं, पहले मैं उनको डाल दूँ। ड्रॉइंग आई सबसे पहले 30 और 20, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया 18 और 1200, फिर वो लॉस आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के 60 और 40। अब मेरी सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट की भी पूरी हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। ये साइड बड़ी है हमारी, दिख रही है हमें, तो हम टोटलिंग पहले इस साइड की करेंगे। तो वो आ गई 1,12,500 और 62,000, वही बैलेंसिंग यहाँ पर हो गए। और अब मैं अपने क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा पार्टनर करंट अकाउंट के, जो कितने निकलेंगे 20,700 इसका, 800 इसका। तो ये पहले मेथड से, जब कैपिटल फिक्स हैं तो इस तरीके से हम दो अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। आपको ये बात याद रखनी है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम जर्नल एंट्री से नहीं कर रहे ये काम, करेंगे अभी, ठीक है। मैं आपको उससे ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो बेस होता है, वो ज़रूर आपको सीखना है, उसके लिए मेरी अगली वीडियो देखते रहना। और अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, मतलब कि कहीं से भी उसका अकाउंट प्लस होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, तो कहीं से भी उससे कुछ लिया जाएगा तो वो डेबिट में जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। सारी जो चीज़ सोचनी है वो पार्टनर के अकॉर्डिंग सोचनी है, फर्म के अकॉर्डिंग नहीं सोचनी। फर्म के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वो अभी हम नहीं सीख रहे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो फर्म को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब दूसरे मेथड पर चलते हैं, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो अब हम दूसरे मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सीखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनना है, कौन सा बनना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। शुरुआत करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर समीर यास्मीन डेबिट साइड, पर्टिकुलर समीर यास्मीन क्रेडिट साइड। समीर यास्मीन का मतलब यहाँ अमाउंट का कॉलम है। शुरुआत बैलेंस से आई, तो सबसे पहले बैलेंस आ गए दोनों के 15 लाख और 10 लाख। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद सैलरी आ गई जो समीर को मिली थी 20,000। फिर कमीशन आ गई जो 10,000 और 7,000 दोनों को मिली थी, ठीक है। यहाँ की जो आइटम्स थी वो इतनी ही थी, इसके अलावा और कोई आइटम इस तरफ नहीं थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डेबिट साइड में चलते हैं, डेबिट साइड में जहाँ, हाँ एक चीज़ रह गई यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको कह भी रहा था कि आपको सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कैसे कैलकुलेट हुआ, 15 लाख पर 5% पूरे साल, तो कितना बैठा 75,000। 5% जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई ये वाली 3 लाख की, इस पर 6 मंथ का,
तो वो कितना बेटा 7500। तो दिन दोनों को प्लस कर कर कितना आ गया 82500। वो अभी हम शो करेंगे इस तरीके से 82500। और वाई का जो आया वो 10 लाख पर 5% पूरे साल का 50,000, और 5% 2 लाख का 6 मंथ का कितना बेटा 6/12 कर देंगे, हाफ होता है, मतलब कि सीधी बात ये है, कितना बेटा 5000, 50 प्लस 5 कितना हो गया 55, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इस तरफ की कोई ट्रांजेक्शन हमारी नहीं बची, अब हम डेबिट साइड में चलते हैं। ड्राइंग लिखी हमने जो 30 और 20 थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 और 1200 था, उसके बाद लॉस रह गया, लॉस डाला 60-40, हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में भी पूरा हो गया। ये सारी ट्रांजेक्शन टोटल पहले इस तरफ का होगा, हो गया वही टोटल यहाँ पर आया, और फिर अब हम बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग में इन सब को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड बनता है, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आ जाती है। तो वो था फिक्स कैपिटल मेथड और ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दोनों मेथड पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इनको उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएं तो इस बात को याद रखना कि डेबिट साइड में, पार्टनर की डेबिट साइड में जो पैसा पार्टनर से या तो वो खुद निकाल रहा है या हम उससे ले रहे हैं, वो पैसा डेबिट में आता है। मतलब उसका अकाउंट कम कौन सी साइड से होगा, डेबिट साइड से। क्रेडिट साइड से उसका अकाउंट हमेशा बढ़ेगा, जो भी चीज़ उसको मिलेगी वो कहाँ जाएगी, उसकी क्रेडिट में। ये बात आपको याद रखनी है। फिक्स मेथड के अंदर फिक्स जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन जा सकती है, एक एडिशनल कैपिटल की और दूसरी जो है वो क्या है, विड्रॉवल ऑफ परमानेंट कैपिटल। इसके अलावा फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल में कुछ नहीं जाता, तो बाकी ट्रांजेक्शन जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाती हैं, पार्टनर करंट अकाउंट में। यह आपको याद रखना है। जब फ्लक्चुएटिंग बनता है तो बस आपको ये याद रखना है कि सारी ट्रांजेक्शन मुझे उसमें ही डाल देंगे। अगली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप मेरे चैनल को देखती रहिए, आपके पास सारी वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी। अभी के लिए धन्यवाद।